नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज की इस वीडियो में 21 मार्च 2018 की सारी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को कवर किया गया है, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं, अगर आपने मेरे चैनल इंडियन स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रोज़ाना स्टडी से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, कैपिटल लाइन के आंकड़ों और सालाना रिपोर्टों के विश्लेषण में भारत में CEO और कर्मचारियों की सैलरी में कितना अंतर बताया गया है। पहला ऑप्शन से आपका 80 गुना, दूसरा ऑप्शन से आपका 100 गुना, तीसरा ऑप्शन से आपका 150 गुना और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों 243 गुना। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है वो है आपका डी, 243 गुना। कैपिटल लाइन के आंकड़ों और सालाना रिपोर्ट के विश्लेषण में भारत में CEO और कर्मचारियों की सैलरी में 243 गुना का अंतर बताया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और फ्रांस के मध्य गोवा में आयोजित नौसैनिक युद्धाभ्यास का क्या नाम है। पहला ऑप्शन से आपका तारणी 2018, दूसरा ऑप्शन से आपका वरुण 2018, तीसरा ऑप्शन से आपका सौर 2018 और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों तेज 2018। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है वो है आपका बी, वरुण 2018। भारत और फ्रांस के मध्य गोवा में आयोजित नौसैनिक युद्ध अभ्यास का नाम वरुण 2018 है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि युद्ध अभ्यास अक्सर पेपर में पूछ लिए जाते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कविता संग्रह अकाल में सारस के रचयिता का क्या नाम है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पहला ऑप्शन से आपका फणीश्वर नाथ रेणु, दूसरा ऑप्शन से आपका आकाश अनुभव, दूसरा ऑप्शन से आपका आकाश अभिनव, तीसरा ऑप्शन से आपका जोगेश्वर दयाल और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों केदारनाथ सिंह। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है वो है आपका डी, केदारनाथ सिंह। कविता संग्रह अकाल में सारस के रचयिता, जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम है केदारनाथ सिंह। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निदहास ट्रॉफी T20 सीरीज में प्रदर्शन के बाद कौन से गेंदबाज को ICC रैंकिंग में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। पहला ऑप्शन से आपका आर अश्विन, दूसरा ऑप्शन से आपका जे जे बुमराह, तीसरा ऑप्शन से आपका सुरेश रैना और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों युजवेंद्र चहल। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है वो है आपका डी, युजवेंद्र चहल। निदहास ट्रॉफी की T20 सीरीज में प्रदर्शन के बाद युजवेंद्र चहल गेंदबाज को ICC रैंकिंग में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने किस देश में IS आतंकियों द्वारा 39 भारतीयों के मारे जाने की पुष्टि की है। पहला ऑप्शन से आपका सीरिया, दूसरा ऑप्शन से आपका इराक, तीसरा ऑप्शन से आपका तुर्की और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों जॉर्डन। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है वो है आपका बी, इराक। हाल ही में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इराक देश में IS आतंकियों द्वारा 39 भारतीयों को मारे जाने की पुष्टि की है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्नाटक के लिंगायत की भांति झारखंड के किस समुदाय ने अलग धर्म की मान्यता दिए जाने के लिए मांग रखी है। पहला ऑप्शन से आपका सरना, दूसरा ऑप्शन से आपका अलवेरा, तीसरा ऑप्शन से आपका दैविक और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों गोंड। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है वो है आपका ए, सरना। कर्नाटक के लिंगायत की भांति झारखंड के सरना समुदाय ने अलग धर्म की मान्यता दिए जाने के लिए मांग रखी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए एक निर्णय में किस अधिनियम के तहत अपराध की स्थिति में पब्लिक सर्वेंट की जांच से पहले तत्काल गिरफ्तारी नहीं होगी। पहला ऑप्शन से आपका बाल विवाह अधिनियम 1956, दूसरा ऑप्शन से आपका आर्थिक अपराध अधिनियम 1986, तीसरा ऑप्शन से आपका SC ST अधिनियम 1989 और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों साइबर क्राइम एक्ट 1989। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है वो है आपका सी, SC ST एक्ट अधिनियम 1989। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए एक निर्णय में SC ST अधिनियम 1989 के तहत अपराध की स्थिति में पब्लिक सर्वेंट की जांच से पहले तत्काल गिरफ्तारी नहीं होगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रेक्सिट के बाद ट्रांजिशन पीरियड के लिए यूरोपियन यूनियन तथा ब्रिटेन में कितने माह के लिए समझौता किया गया है। पहला ऑप्शन से आपका 21वां, दूसरा ऑप्शन से आपका 18वां, तीसरा ऑप्शन से आपका 12वां और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों 8वां।
तो दोस्तों आपका सही उत्तर है वो आपका ए 21वां, ब्रेक्सिट के बाद ट्रांजिशन पीरियड के लिए यूरोपियन यूनियनों तथा ब्रिटेन में 21 माह के लिए समझौता किया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस सरकारी इकाई ने SATH शिक्षा रोड मैप 2018 से 20 जारी किया है? पहला ऑप्शन से आपका मानव संसाधन विकास मंत्रालय, दूसरा ऑप्शन से आपका महिला बाल कल्याण मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन से आपका नीति आयोग और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों प्रधानमंत्री कार्यालय। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है वो आपका सी नीति आयोग। हाल ही में नीति आयोग सरकारी इकाई ने SATH शिक्षा रोड मैप 2018 से 20 जारी किया है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ऊबर द्वारा बनाई गई पहली ड्राइवरलेस कार से किस देश में दुर्घटना हुई है? पहला ऑप्शन से आपका जर्मनी, दूसरा ऑप्शन से आपका ब्रिटेन, तीसरा ऑप्शन से आपका कनाडा और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों अमेरिका। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है वो आपका डी अमेरिका। ऊबर द्वारा बनाई गई पहली ड्राइवरलेस कार से अमेरिका देश में दुर्घटना हुई है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोज़ाना स्टडी से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।